हमारे गेस्ट से अनुरोध कि वे स्थान ग्रहण करें। मैम, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक सीट। On behalf of Delhi Tourism, I would like to welcome our Honorable Minister Madam, Honorable MLA Sir, and all the people. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मैंगो फेस्टिवल में आए and इतने सारे वेराइटीज़ के मैंगो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। I'm very thankful कि मैडम इज हियर, I would like to thank you निहालिका जी। यहाँ मंच पर आए हमारे लोकल एरिया MLA राजेश ऋषि जी, हमारी काउंसलर टिम्पल अहूजा जी, टूरिज्म सेक्रेटरी निहारिका जी, TTDC GM गीतिका जी, DTDC की सारी टीम और मैंगो फेस्टिवल के सारे आयोजकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे लगता है कि शायद दिल्ली टूरिज्म और जो हमारा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सारे फेस्टिवल्स करते हैं उसमें से शायद सबसे यूनिक है ये मैंगो फेस्टिवल, तो इसके आयोजन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आम शायद एक ऐसा फल है जो हमारे देश में रहने वाले हर बड़े हर बच्चे के दिल में बसा हुआ है और खासकर के बच्चों के दिलों में मुझे लगता है और भी ज़्यादा जगह है, क्योंकि आम आता भी ऐसे समय पे है जब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही होती हैं, तो छुट्टियों का मज़ा और आम का मज़ा दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन भी होने वाला है, तो शायद हम सब ने अपने बचपन में नाना नानी के घर पे, दादा दादी के घर पे अपने सब भाइयों बहनों के साथ मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन्स किए हैं। मुझे याद है जब हम बच्चे थे तब तो पार्टी में भर भर के आम रखे जाते थे, सब बच्चों को पुराने कपड़े पहना दिए जाते थे और फिर सारे बच्चे उन बाल्टी और टब में भरे हुए आमों पर टूट पड़ते थे और वो स्वतः ही कॉम्पिटिशन हो जाता था। खुशी इस बात की है कि हम लोगों ने तो फिर भी आम के बगीचे देखे हैं, गांव में देखे हैं, अपने दादा दादी नाना नानी के घरों में देखे हैं, लेकिन शायद जो आज की पीढ़ी है जो दिल्ली में बड़ी हो रही है उन्होंने आम शायद से फल की दुकान पे देखा है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि इस मैंगो फेस्टिवल के बहाने यहाँ पे दिल्ली के लोगों को, बहुत सारे जो लोग आम उगाते हैं उनसे भी मिलने का मौका मिला है कि आम की पूरी जर्नी क्या है। वो जब ये शानदार चमकता हुआ पीला आम जो हमारी प्लेट पे पहुंचता है वो वहाँ पे कैसे पहुंचा उसकी एक जर्नी समझने का भी मौका देता है। और आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी इस मैंगो फेस्टिवल का लुत्फ उठाएं। मैं तो चलते चलते ही अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक आम तो मैंने चख ही लिया और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों को भी एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा इन तरह तरह के आमों को देखने का और उनका लुत्फ उठाने का। एक बार फिर दिल्ली टूरिज्म की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक।
रहमान, मिस्टर राधे श्याम, मिस्टर विनोद कुमार जो आज ये सीट पर से अपने छुट्टी के अवकाश के साथ हमारे साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बीच में हैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मिस्टर पृथ्वी जी और हमारे जितेंद्र जी और ये छोटे भाई सुनील। तो ये आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दिल्ली हाट का। आशा है सबको नज़ारा पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।